बर्गर वाला परांठे बना दिए मेरी सिस्टर ने। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। के हाल चाल आप सभी लोगों के। तो आज मैं एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। आप देख सकते हो थाली में मेरी सिस्टर ने नई चीज़ बनाई है, परांठे में काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स करती है। आप लोगों को डिटेल्स में मैं दिखाऊंगा अभी। बाकी नया जब बनाना सीख रही है, मेरी बहन के हाथ में इंटरनेट का एक्सेस आया तो वो काफ़ी सारी चीज़ें बनाती रहती है, घर के सारे चीज़ों को निपटा देती है। बाकी हमें खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, जिसके लिए थैंक यू वेरी मच टू माई सिस्टर। एंड चलो ये देखो, ये मोमेंट्स ऐसे हैं, ये फ्यूचर में होते नहीं है। और देखो ये प्रोसेसिंग में काफ़ी वक्त लगता है। देखो नई चीज़ सीखने में हमें नई चीज़ सीखते रहना चाहिए, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहना चाहिए। तो इसी के लिए अब ऐसा मौका बार बार नहीं आने वाला, ये मैंने ठंडा कर दिया ब्लॉग वगैरह बनाने के चक्कर में। तो चलो यार, इसके सिनेमैटिक शॉर्ट्स को यार आप इन्जॉय करिए, और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यार इसमें क्या क्या चीज़ डाले हैं मेरी सिस्टर ने और कैसे बनाया है ये। ट्राइड का यार, वैसे तो मेरी सिस्टर ये आलू का परांठा बना रही थी, पर पता नहीं इसमें काफ़ी सारी चीज़ ऐसी डाल दी। अब मुझे तो ये सैंडविच सा लग रहा है। इसमें प्याज है, लहसुन है, और हाँ आलू भी हैं, हरी मिर्च है, और परांठा है, टमाटर भी है। परांठा के तरह बना रखा है, ये काट ऐसे रखा है भाई। मुझे तो डर सा लग रहा है भाई इसको खाने में, पर अभी इसको खा कर देखते हैं और बताते हैं इसका क्या टेस्ट वगैरह। सो ऑलराइट गाइस, मैं अभी इसको टेस्ट करने वाला हूँ। दो पीस कर दिए मेरी सिस्टर ने इसके पहले ही खाने के लिए। एक सेकेंड, अबे भाई इसमें से तो ये जा रहा है। ऑलराइट, आलू के परांठे वाला ही स्वाद है, साथ में टमाटर वगैरह गिर रखा है तो बिल्कुल बर्गर वाला भी सीन दे रहा है। बर्गर वाला परांठा बना दी मेरी सिस्टर ने। वैसे इंटरनेट का एक्सेस भी सही है, हमें खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और काफ़ी बार जब बिगड़ जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ जाती है, खाने का मन नहीं करता है। इतना गंदा भी बनता है कभी कभी। एक्चुअली सो गुड। ऑल राइट गाइज, मैं इसको ख़त्म करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइज यार, परांठे वाला बर्गर खाने में तो मज़ा ही आ गया। तो कल रात को फिर मैंने स्ट्रीम वगैरह की थी, और फिर मैं रात को दो बार लाइट गई थी तो मैं सो गया था। बाकी यार ऐसे मोमेंट जिंदगी में काफ़ी कम बार आते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको कैप्चर करके ब्लॉग के लिए रख लिया। इनको ज़्यादा वो नहीं है, इनको ज़्यादा लाखों करोड़ों व्यूज आए नहीं, इनको व्यूज़ के लिए मैं नहीं डाल रहा, इनको बस फ्यूचर में मैं देख सकूं इन व्लॉग्स को, इस वजह से मैं बना कर रख रहा हूं। बाकी अगर मुझे ऐसा व्लॉग्स पर ज़्यादा व्यूज लाकर डालने पड़ते तो मैं गर्ल्स का रिएक्शन डालता, गर्ल्स क्यूट रिएक्शन और काफ़ी सारी वो कंटेंट। अगर मैं इस चैनल को उस डायरेक्शन में लेकर जाने वाला होऊंगा तो मैं आप लोगों से कह दूंगा, और मैं फिर इसको उसी दिशा में ले जाऊंगा। मेरे घर पर काफ़ी सारे बच्चे वगैरह हैं, अगर उनको ऐड करने लगा तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी और मेरा अगर मन बदल गया तो मैं यार उन सभी बच्चों को लाकर कंटेंट तगड़ा ही निकालूंगा। फिर तुम लोगों को पता है यार, फिर मैं जो कंटेंट निकालूंगा उसके बाद में, बाकी फिर यार ऐसी रियल लाइफ नहीं रहेगी, फिर सब कुछ वो कुछ स्क्रिप्टेड रहेगा, कुछ वैसा बनाने का रहेगा। बाकी यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों के व्लॉग पसंद आए तो इनका लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।